एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशिर वर्षा। और मैं अपने चैनल पर DIYs एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पास एक पुराना मिरर पड़ा था, मैंने सोचा था कि इसको राउंड शेप में कट करा के इसका कोई DIY करूंगी, पर शिफ्टिंग के दौरान वो मिरर टूट गया। पर मैंने उसे फेंका नहीं, क्योंकि मिरर टूट गया था पर उसकी फ्रेम बिल्कुल सही थी। मैंने सोचा मिरर ना सही, इसके फ्रेम को यूज करके कोई ना कोई DIY तो हम बना ही लेंगे। तो आज वो लकी डे आ गया है जब उस फ्रेम को यूज करके हम बहुत ही प्यारा सा DIY क्रिएट करने वाले हैं। ये जो DIY मैं क्रिएट कर रही हूँ वो अपने बालकनी गार्डन के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो बातें बहुत हो गई, अब चलिए बिना किसी देरी के आज का वो प्यारा सा DIY बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा टूटा हुआ मिरर और उसकी फ्रेम। तो सबसे पहले हम इसे मिरर हटा के क्लीन कर लेंगे। तो मैंने मिरर और उसके बैक के पोर्शन को हटाकर इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं क्ले वर्क करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी से क्ले को बनाकर रेडी किया है। आप इसकी जगह पर मोल्डेड या एयर ड्राई क्ले भी यूज कर सकते हैं। तो क्ले से हम जितने भी एलिमेंट्स बनाएंगे उसे हम फेविकोल से अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल सा फ्लावर और लीफ के पैटर्न को बनाया है। यहाँ पर मैंने फिंगर की हेल्प से ही इस तरह से छोटी छोटी सी पेटल्स को बनाकर रेडी कर लिया है, जिससे कि हमें एक फ्लावर की शेप मिल गई है। आप चाहें तो क्ले कटर की हेल्प से भी फ्लावर और लीफ को बनाकर रेडी कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर सबके पास क्ले कटर नहीं होता है, इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल से फ्लावर को यहाँ पर सेलेक्ट किया है ताकि आप इजली इसे घर पर बना सकें। और यहाँ पर डिटेलिंग करने के लिए भी मैंने कटर को ही यूज किया है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई ओल्ड फ्रेम पड़ी है तो आप उसे झरोखा स्टाइल या इस तरह से भी क्रिएट करके अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे माइंड में ये दोनों ही आइडियाज आ रहे थे, पर फाइनली मैंने सोचा कि इसे गार्डन के लिए ही डेकोरेट करती हूँ। आप चाहें तो सिंपली इस फ्रेम को इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं इसे गार्डन के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं दो प्यारे प्यारे से बर्ड भी ऐड करने वाली हूँ। हमारा एक बर्ड बनके रेडी हो गया है। सेम इसी तरह से हम अपना सेकेंड बर्ड भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर बर्ड बनाने के लिए मैंने सिंपली अपने पाम और फिंगर्स को ही यूज किया है और इस तरह से प्रेस करते हुए एक बर्ड की शेप को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके अदर पार्ट्स को हम रेडी करेंगे और फेविकोल से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। दोनों बर्ड्स को बनाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो हमारे दोनों बर्ड्स और ये फ्रेम पर बने हुए सारे एलिमेंट्स ड्राई हो चुके हैं। अब हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रांचेस को कलर करने के लिए ग्रीन कलर को यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं, पर ग्रीन कलर काफी पॉपअप होके यहाँ पर शो हो रहा है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर को ही यूज किया है। साथ ही लीव्स को कलर करने के लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर को यूज किया है। फ्लावर्स को यहाँ पर मैंने दो कलर से कलर किया है। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर को ऑरेंज कलर और दूसरे फ्लावर को लेमन कलर से कलर किया है। आप चाहें तो ऑरेंज और व्हाइट या लेमन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि व्हाइट फ्लावर भी यहाँ पर देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।
अपने प्यारे प्यारे बर्ड्स को भी कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बर्ड्स को कलर करने के लिए मैंने येलो कलर को यूज़ किया है, साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर्स भी मैंने ऐड किए हैं ताकि हमारी ये प्यारी सी बर्ड बहुत ही कलरफुल लगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे प्यारे से बर्ड्स तो रेडी हो गए हैं। अब इन्हें फ्रेम पर फिक्स भी करना है। तो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड की पट्टी को यूज़ कर रही हूँ एज ए ब्रांच। आप यहाँ पर रियल ब्रांच भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फेविकॉल लगाया, देन ब्रांच को रखकर वॉल पुट्टी क्ले से इस तरह से फिक्स कर दिया है। तो हम दोनों साइड पर सेम मेथड ही अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फिक्स करने के बाद हमें ड्राई होने देना है। अब इस कार्डबोर्ड को भी हम ब्रांच का लुक दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी किया है, जिसे फिंगर के हेल्प से अच्छी तरह से कार्डबोर्ड पर अप्लाई कर लूँगी। इसे अप्लाई करने के बाद पिन से हमें ब्रांच का शेप क्रिएट कर देना है और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब इस पर हम अपने बर्ड्स को फिक्स करेंगे। पर बर्ड्स को फिक्स करने से पहले हमें कलर तो करना है, तो यहाँ पर मैं ब्राउन कलर को यूज़ कर रही हूँ। कलर करने के बाद हमें अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, देन उसके ऊपर फेविकॉल के हेल्प से हम कुछ लिप्स और बर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी तब इसके ऊपर हम एक कोट वार्निश का भी जरूर अप्लाई कर लेंगे। इस फ्रेम में जो आगे स्पेस बनी हुई है उसके लिए अब हम प्लांटर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर प्लांटर को भी बनाने के लिए मैं इस तरह की ब्रोकन कप्स को यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम फेविक्विक से इस कप को आपस में फिक्स कर लेंगे। अगेन यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी ले लिया है, जिससे मैं एक एलिफेंट की शेप को बनाकर रेडी करूँगी। तो सबसे पहले हम दो छोटे छोटे से ईयर्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं टू प्लांटर का सेट बना रही हूँ और इस प्लांटर्स की खास बात यह है कि ये मम्मा और बेबी होंगे, यानी कि मम्मा एलिफेंट और बेबी एलिफेंट। तो हमें इस तरह के फोर ईयर्स और टू हेड को, यानी कि टू फेस को बनाकर रेडी कर लेना है। तो हम कप्स पर सबसे पहले फेविकॉल को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, देन इनके सारे एलिमेंट्स को इस तरह से सेट कर देंगे। हमारे दोनों प्लांटर ड्राई हो चुके हैं। अब इस पर हम कलर अप्लाई करेंगे। वैसे तो ये दोनों प्लांटर ऐसे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे इसको कलर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर मैंने सोचा कि इसे पेयर में बनाया है तो सेम कलर ही कर देती हूँ। तो हमारा जो बेबी एलिफेंट है सेम वही कलर हम मम्मा एलिफेंट पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक कोट हम जेसो का अप्लाई करेंगे, देन उसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए मैं स्पंज का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्पंज से कलर करने पर हमें एक बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर मिल जाता है। अगर हम ब्रश का यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी स्ट्रोक दिखाई देते हैं, इसलिए मैं हमेशा ग्लास वगैरह पर कलर करने के लिए स्पंज का ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैं एलिफेंट के फेस को थोड़ा लाइट कलर से कलर करूँगी, यानी कि ग्रीन में हल्का सा वाइट शेड मिक्स करके इसे लाइट कलर कर दूँगी।
तो हमारे फेस का कलर अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर हम डिटेलिंग करेंगे, यानी कि एलिफेंट के फेस को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे क्यूट से प्लांटर भी रेडी हो गए हैं। अब इसे सिक्योर करने के लिए हम एक कोट वार्निश का भी अप्लाई कर लेंगे। तो ये रहा हमारे इस प्यारे से डीआईवाई का फाइनल लुक। आई होप आप सभी को आज का ये डीआईवाई पसंद आया हो। आप जब इस डीआईवाई को अपने होम या गार्डन को डेकोरेट करने के लिए यूज करेंगे और जो भी इसे देखेगा वो आपकी तारीफ के बिना तो नहीं रह पाएगा। आई होप आप सभी को आज का ये यूनिक सा आइडिया पसंद आया हो। अगर आप सभी को आज का ये दोनों डीआईवाई पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के प्यारे प्यारे से डीआईवाई आपके साथ शेयर करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।